एक छात्रा को साइकिल स्टैंड पर स्लिप दिखाने की पूछने को लेकर गरमाया मामला। शहर के स्टेशन रोड स्थित एनजीपीजी कॉलेज का बताया गया मामला। मामले को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल ने कही अपनी बात, आरोपों को नकारा। फिरोजाबाद शहर के स्टेशन रोड स्थित एनजीपीजी कॉलेज की एक छात्रा संग साइकिल स्टैंड पर स्लिप दिखाने की बात को लेकर मामला गर्मा गया। जहां छात्रा ने मामले को लेकर उसे कैरेक्टरलेस बताने के आरोप लगाए, तो वहीं कॉलेज प्रिंसिपल ने उक्त आरोपों को नकारा। बताया गया शहर के महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की एक छात्रा जब अपनी बहन संग कॉलेज में दाखिल हुई तो साइकिल स्टैंड पर ले जाने को लेकर उससे स्लिप मांगी गई, तो छात्रा के मुताबिक उसने कुछ देर रुकने को कहा, परंतु स्टाफ तत्काल मांगने लगा। इसी बात को लेकर मामला गर्मा गया। कॉलेज प्रिंसिपल आई, उनसे भी हार टाक हो गई। छात्रा ने खुद को कैरेक्टरलेस बताने का आरोप लगाया, तो वही कॉलेज प्रिंसिपल का कहना था कि साइकिल का कोई मुद्दा नहीं है, साइकिल स्टैंड की स्लिप देखने को कहा गया तो छूटते ही उसने बदतमीजी शुरू कर दी। जब खुद प्रिंसिपल गई क्लास में जाने को कहा तो कहा नहीं जाएंगे, हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहे। उसके भाई को बुलाया गया तो बताया उसके भाई ने कहा घर पर भी ऐसे ही बिहेव किया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा शर्मा। कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ी आप? क्या हुआ? एमजी कॉलेज में। एमजी गर्ल्स कॉलेज। आज क्या मामला हुआ है? आज मामला ये हुआ सर कि मैं कॉलेज आ रही थी, सुबह तो मुझे वहाँ पे गेट पे रोक दिया गया और बोला गया कि मतलब पहले अपनी फीस रसीद कटवाओ तब तुम अंदर जाओगी। मैंने बोला सर मैंने पहले भी कटवाई है तो मैं इस बार भी कटवाऊंगी, पहले मुझे साइकिल खड़ी करने दो, मैं फीस रसीद अभी कटवाने आऊंगी। तो इन्होंने नहीं जाने दी और बोला कि बाहर निकलो, पहले सर आ रहे हैं, यहाँ से आगे मत बढ़ो। मैंने कहा सर क्यों नहीं बढ़ूं, ये बताइए सर मुझे पहले खड़ी तो करने दो, तभी तो मैं रसीद कटवाऊंगी। तो इन्होंने बोला नहीं अभी कटवा। फिर मैंने पूछ लिया उससे इनसे कि मतलब ये रसीद किस बात के लिए कट रही है, कोई तो मतलब वो होगा कि मतलब कोई तो दिया गया होगा जिस बात के लिए ये रसीद कटती है, मैंने कटवाई तो पहले भी है पर आज इतना क्यों? इसलिए फिर मैम आई है, मुझसे बोल रही है क्यों इतना क्यों हिट रही है। मैंने बोला मैम मैं हिट नहीं रही हूँ, मैं क्लास चेंज कराने जा रही हूँ अभी, तो कि तो हिट रही है। और दूसरी मैम आई है बाद में कि ये कैरेक्टरलेस लड़की लग रही है, हैं ये मतलब कैरेक्टरलेस लड़की लग रही है, इसको मतलब बदतमीज दिख रही है सामने से, इससे वो मत करो। अब मैंने फिर मैम ने मुझसे एक मैम ने मुझे समझाया, मैम बड़ी मतलब चर्चा मैम ने, उन्होंने बोला बच्ची आप सॉरी बोल दो अभी कोई बात नहीं। तो मैंने बोला मैं सॉरी बोल दूंगी, मैंने सॉरी भी बोला है, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, अगली बार नहीं होगी। तो इन्होंने मुझसे बोला है कि मतलब ठीक है वहाँ पे क्लियर हो गया था। फिर मेरे भाई को बुला के बोलते हैं ये कैरेक्टरलेस लड़की तुम्हारी बहन है, इनका मतलब कैरेक्टरलेस लड़की बहन तुम्हारी, एक लड़की पूरे मतलब कॉलेज की लड़की को गंदा कर देगी, एक मछली पूरे ताल आपको गंदा कर देगी, ये बोल रही थी मेरी भाई से। और बोल रहे थे कि इनको मतलब बंद कर दो इस कॉलेज से, ये 35 टुकड़े वाली मुझे जो अभी श्रद्धा वाला केस चल रहा है उसके ऊपर मेरे लिए सर ने उन्होंने बोला है जो सर आए हैं कि इस लड़की के 35 टुकड़े होने चाहिए, जो ऐसी लड़की जो होती है, नाम नहीं पता, नाम नहीं मुझे पता है, वो अभी अंदर बैठे प्रिंसिपल के साथ ही है, वो स्कूल के ही है क्या? हाँ कॉलेज के हैं वो, और मुझसे बोल रहे हैं कि तुम कैरेक्टरलेस लड़की हो, इस लड़की को यहाँ पे पढ़ना ही नहीं चाहिए। और अब ये बताइए यहाँ कोई लड़का दिखाई दे रहा है जो मैं कैरेक्टरलेस होंगी? यहाँ कोई लड़का पढ़ता है जो मैं कैरेक्टरलेस दिखाई दे रही हूँ? ये कैफे की हिम्मत कैसे हुई इनकी? इनकी भी तो लड़की होगी जो कहीं भी पढ़ती होगी, वो उसको नहीं रखते? इनकी बहन बेटी नहीं है क्या? जो किसी लड़की के ऊपर उंगली उठाएगा तो वो ऐसे ही सुनेगा? किसी को वो नहीं है कि ये किसी के ऊपर उंगली बिना अधिकार उठाने का नहीं है। जो महात्मा गांधी बाल विद्यालय की प्रोफेसर हूँ, महाविद्यालय में अभी लड़कियों ने कुछ हंगामा हुआ, किस बात को लेकर हुआ था? मुद्दा तो कुछ नहीं था, जो दोनों लड़कियां हैं, एक पिंकी शर्मा है और दूसरी प्रज्ञा शर्मा, दोनों हमारे यहाँ थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हैं, उन्होंने केवल साइकिल का कोई मुद्दा भी नहीं था, केवल उससे स्लिप देखने के लिए कहा गया क्या कि आप साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखेंगे तो उसकी स्लिप दिखा दीजिएगा, तो छूटते ही उसने बदतमीजी शुरू कर दी। इसके लिए उसने जो भी प्रवक्ता सामने आई उससे मिसबिहेव किया। इसके बाद मुझे बुलाया गया, मैं आई तो यहाँ पर लड़कियाँ बहुत सारी इकट्ठी थी, मैंने कहा चलिए सब लोग आप क्लास में, तो वो खड़ी हो गई, बोली नहीं जाएंगे तो क्या करोगी? हमने कहा आप अपना आई कार्ड दिखाइए, आप महाविद्यालय की छात्रा हैं भी या नहीं? कि नहीं दिखाते हम कार्ड, हम नहीं दिखाएंगे, आप कौन होती हैं? और जितना वो बोल सकती थी उतना वो बोलती रही। हम लोगों ने जो भी प्रवक्ता है उसके साथ वो मिसबिहेव करे, बहुत समझाने की कोशिश की और किसी ने उससे कुछ अनगढ़ शब्द नहीं कहे, कोई ये कहा कि कोई इसने न्यूसेंस क्रिएट किया हो उसके लिए, कुछ नहीं, वही करती रही। उसके साथ उसकी सिस्टर भी थी, जो दोनों सिस्टर हमारे यहाँ पर भी हैं। उसके बाद में उसके भाई को बुलाया गया, उसके भाई ने कहा कि ये घर पर भी ऐसे ही बिहेव करती है,
इसका व्यवहार घर पर भी ऐसा है, ये घर पर भी किसी के कंट्रोल में नहीं आती है, ये उसके भाई ने कहा है। अब वो अगर अब वो क्या कहता है वो उसकी मर्जी है, इसके बाद में कोई बात ही नहीं है। ना तो उसे ये कहा गया कि तुमको निकालना है, ना ये कहा गया कि हम तुमको, अब उसने क्या किया है, कोई नेहा सिंह है एबीपी की, अपने को उसने जिलाध्यक्ष बताया, उसको उसने फ़ोन किया, वो आ गई, अब वो सच्चाई क्या है वो जाने, और उसने आकर के उधर बचाना शुरू किया। अब स्थिति अब तो कंट्रोल में है, हमारे मैनेजमेंट सर आ चुके हैं, सभी लोग मैनेजमेंट के भी आ चुके हैं, प्राचार्य जी भी हैं, सबके पुलिस डिपार्टमेंट को भी बुलवा लिया गया है, उनसे सभी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। अब देखिए कहा गया कि आपको जो भी समस्या है, हमारे मैनेजर साहब ने कहा है कि जो भी समस्या हुई है आपको आप रिटर्न में दीजिएगा, उसके बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।